कुरुक्षेत्र के लाडवा कस्बे में सीएलपी लीडर किरण चौधरी परिवर्तन रैली में पहुंची, जहां रैली आयोजक संदीप गर्ग, युवा कांग्रेस नेता सहित वरिष्ठ कांग्रेसी सुभाष बत्रा, पवन गर्ग भी मौजूद थे। रैली में उमड़े भारी जनसमूह को देख सीएलपी लीडर किरण चौधरी ने गदगद होकर संयोजक संदीप गर्ग की पीठ थपथपाई। अपने संबोधन में कहा, किरण चौधरी ने आज प्रदेश के हालात किसी से छुपे नहीं है। भाजपा सरकार ने अपने 4.5 वर्षों से शासनकाल में सिवाय जुमलों के अलावा यानी हरियाणा के भाईचारे को खत्म करने को छोड़कर कोई भी सकारात्मक कार्य नहीं किया। उन्होंने कहा कि रसोई गैस सिलेंडर के दाम दुगने तिगने हो चुके हैं। नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। काला धन तो वापस नहीं आया, बल्कि लोगों का गाड़ी, खून, पसीने की कमाई जरूर उनकी जेब से निकल गई। किसानों को स्वामीनाथन आयोग देने का वादा करने वाले भाजपाइयों ने धान, गेहूं व अन्य फसलों के दाम पूरे नहीं दिए, जिससे किसान बर्बादी की कगार पर है और खुदकुशी कर रहा है। किसका ये लाइव वाला? ओ भाई लाइव वाले नीचे करो यार। जनमंच सरकार की सत्ताएं नहीं है, वो अगर मैं गिनाना शुरू करूँ तो यहाँ पूरा दिन लगेगा। चाहिए जो इन्होंने वायदे करे थे वो सारे के सारे झूठे साबित हो रहे हैं। आज 4.5 साल के अंदर गवर्नेंस के अलावा बीजेपी सरकार ने कुछ मोबाइल बोले, नारे जिले भाई सब तो नीचे जो है पीछे भी देखिए नतीजा ये देखना वो त्रस्त है, बीजेपी की नीतियों से त्रस्त है। करप्शन जो है वो चरम सीमा पर है, लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है, नोटबंदी से अर्थव्यवस्था जो है चरमरा गई है, जीएसटी से जो है लोग बहुत दुखी हैं, व्यापारी भाई दुखी हैं। कोई एक वर्ग ऐसा होता जो इनसे खुश होता? गरीब जो है वो गरीब हो गया है, केवल पूंजीपतियों को छोड़कर। उनका कहना है जितना 4 साल में हमने किया उतना उन्होंने कांग्रेस ने 50 साल में नहीं किया। आज आप ही यहीं थे, मैं जब बोल रही थी मैंने हाथ खड़े करवा के बार बार ये बात पूछी, मेरा भाषण जो आज मैंने इन लोगों से संवाद कर रही थी उनसे मैंने जब पूछा, उन्होंने खड़े हाथ खड़े करके बताया, असलियत बताई, कोई विकास नहीं हुआ। जो बात कही गई है वो नहीं हुआ। किसान को जो समर्थन मूल्य की बात कही गई थी वो उसको समर्थन मूल्य नहीं मिला। उसकी जीरी हो या गेहूँ, बाकी हरियाणा के अंदर सरसों हो, कपास हो, बाकी कहीं महंगाई जो है वो कमर तोड़ महंगाई हो गई। आज गैस, डीजल जो है और पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी की बिल्कुल जो है जेब के ऊपर डाका डाल दिया गया है। और गृहणियों का जो चूल्हा चौका है वो खत्म हो गया। गैस सिलेंडर जो है वो आज जो है 800-900 रुपए का हो गया, 1000 तक जो है बंद रहेगा, तो 1000 तक जो है वो जो है होने जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं राम मंदिर हालात क्या हो रहे हैं। दुष्यंत चौटाला एक नए पार्टी बनाने के मुहाने पे खड़े हैं, नैलो टूट रही है। क्या लगता है कि इससे कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान होगा? कांग्रेस के साथ आने वाले समय में सरकार बनाएगी और ये सारी जगह जो है देखने को मिल रहा है। ऐसा सुनने में आ रहा है मैम कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल जो है दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, तो क्या लगता है कि केजरीवाल राजनीति कुल्लू सिद्ध करने के लिए कौन किसके साथ हाथ मिलाता है? जनता जो है जागरूक हो गई है और मैंने आज बड़ी अच्छी तरह से विस्तार से समझाया कि वोट जो है वो आपकी ताकत है और ये वोट जो है हमको और जो लारे लप्पे देने वाले हैं ये अपनी खुद की राजनीति चमकाने वाले हैं, इनको देके बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। जनता